मनोज तिवारी बीजेपी के सांसद हैं, अपने अंदाज में विपक्ष पर हमला उन्होंने बोला है, सुनिए जरा। सुबह 9 बजे से लाल किले से शुरू हुई तिरंगा यात्रा इंडिया गेट पे समाप्त हो गई है। हमारे साथ बात करने के लिए मनोज तिवारी जी, हाथों में तिरंगा, सर पे लाल पगड़ी, ये बता रही है कि मन में भी राष्ट्रवाद है, दिल में भी राष्ट्रवाद है और हाथों में ये राष्ट्रवाद का प्रतीक है। क्या कहेंगे मनोज जी, आज इस तिरंगा यात्रा के जरिए क्या संदेश देंगे? देखिए जी, हम तो संदेश ले रहे हैं और मुझे लगता है कि संदेश देने का समय चला गया, अब संदेश लेने का समय है। और हमें ये संदेश मिल रहा है कि भारत की आज़ादी के अमृत महोत्सव पे हम अपनी इस आज़ादी के अमृत महोत्सव पे गर्व करें। आप देखिए, आज शुरुआत हुई है नरेंद्र मोदी जी देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के द्वारा घर घर तिरंगा। लेकिन घर घर तिरंगा डायरेक्ट नहीं शुरू हुआ, पहले घर घर आयुष्मान योजना, गरीब को इलाज फ्री में, घर घर अनाज योजना, तब आया है घर घर तिरंगा। पक्ष कह रहा है कि उनको इनविटेशन नहीं दिया, आप लोग तिरंगा यात्रा को एक पार्टी तक सीमित रख रहे हैं। नहीं, कहाँ पार्टी है, किधर पार्टी है, पार्टी तो हमने कहीं चिन्ह भी नहीं लगाया। उपराष्ट्रपति जी कब से पार्टी हो गए? उपराष्ट्रपति जी ने हमारी तिरंगा यात्रा को शुरू किया। और अगर कहीं गलती से आप नहीं पहचान पा रहे हैं इस तिरंगे को मेरे विपक्ष के लोगों, तो पहचानो, ये तिरंगा है। कहां से कह दिया पार्टी, पार्टी तो कहीं दूर दूर तक नहीं है इसमें। क्यों नहीं आए विपक्ष, क्यों नहीं आप लोगों के इस तिरंगा यात्रा जुड़े? तो हीरो बनने का टाइम था, वो जीरो में चले गए। आज तो राहुल गांधी भी हीरो बन सकते थे, जिस प्रकार से बहुत बड़े बड़े पापी लोग गंगा जी नहाने से तर जाते हैं, वैसे आज राहुल जी हीरो बन सकते थे, जो उस समय देश में वो अपने एक्शन से अजीब गए, मतलब चुक गए वो चुक गए, उनके साथी दल चुक गए, दूसरे दलों के लोग चुक गए। लेकिन किसी न रूप में अगर आज उन्होंने तिरंगा नहीं उठाया, तो मैं समझता हूँ वाइस प्रेसिडेंट का तिरंगा यात्रा को हरी झंडी दिखाने पे के बाद राहुल गांधी पर एक बड़ा सवाल उठेगा। हमने एक गीत बनाया है और उस गीत का भाव है कि तिरंगे को शान बना लो, इसको अपनी जान बना लो, भारत का अभिमान बना लो, तिरंगे को शान बना लो, घर घर तिरंगा, हर घर तिरंगा, मेरा सर तिरंगा, हर घर तिरंगा। और देखिए, कांग्रेस के सांसद हैं प्रमोद तिवारी, उन्होंने तो आरएसएस के बहाने बीजेपी पर हमला बोल दिया है, सुनिए जरा क्या सवाल पूछा है प्रमोद तिवारी। कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी हैं हमारे साथ। सर, प्रधानमंत्री ने आह्वान किया है कि हर घर तिरंगा हो, क्या आप लोग अपने घरों पर तिरंगा लगाएंगे? बहुत देर कर दी हुजूर आपके, हर कांग्रेसी तो सम्मान के साथ तिरंगा लगाता रहा है, जब तक जिंदा है कांग्रेसी है लगाता रहेगा। पर भारतीय जनता पार्टी जरा बताए, उसके मात्र संगठन के कार्यालय पर सालों 15 अगस्त 26 जनवरी को भी झंडा नहीं था राष्ट्रीय ध्वज, क्यों आज वो कर रहे हैं, अच्छी बात है। और देखिए, आम आदमी पार्टी भी तिरंगे को लेकर हो रही इस राजनीति में कूद पड़ी है। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद हरभजन सिंह ने कहा कि तिरंगे पर राजनीति नहीं करनी चाहिए। हरभजन सिंह है हमारे साथ। सर, कांग्रेस जो है वो कह रही है कि एक राजनीतिक इवेंट बना दिया है इस रैली को, जो आज तिरंगा रैली हुई है, और ये भी कह रही है कि हम शुरू से तिरंगा लहराते रहे हैं, लेकिन बीजेपी का जो मात्र संगठन है आरएसएस, वो तिरंगा नहीं लहराता। देखिए, वो हर व्यक्ति का एक ओपिनियन होता है, हर मोहल्ले की एक सोच होती है। अगर कांग्रेस पार्टी को ऐसा लगता है तो वो उनकी एक सोच है, बट बीइंग एन इंडियन मुझे लगता है ये मेरा फर्ज है कि झंडे की जो शान है वो सबसे ऊपर होनी चाहिए। और मैं मैदान पे जब भारत का झंडा फहराता था विदेशों की धरती पे, मेरे लिए उससे बड़े सम्मान की बात कभी हुई नहीं। और मैं देश के लिए खेला हूँ, देश की सेवा कर लूँ, मुझे लगता है कि ये मेरा फर्ज बनता है कि जो झंडा जो है हमारा सबसे ऊंचा रहना चाहिए। और इसमें कोई चीज़ की पॉलिटिक्स नहीं करनी चाहिए कि ये पॉलिटिकल इवेंट है या फिर, हम देश के शान की बात है। और अगर हम
नहीं करेंगे तो कौन करेगा। हमारे दोनों घरों में हमारे हर जगह पर झंडा लहराएंगे तो उसमें फर्क क्या, मतलब क्या क्या किस क्या दिक्कत है इसको? मुझे लगता है कि ये तो शान वाली बात है, हर घर में झंडा होना चाहिए। तो हरभजन सिंह को सुन रहे थे आप, देख रहे हैं आप किस तरीके से अब तिरंगा यात्रा को लेकर भी राजनीति जोरों पर। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर ढाई पे आए, बबीता जी का दिल सास बहु साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहु, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।